तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके स्मार्टफोन का पावर बटन खराब हो जाता है तो बिना पावर बटन के आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑन ऑफ यानी कि चालू बंद कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन का नॉर्मली पावर बटन बिल्कुल सही है, तो मैं अपने फोन के पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, फिर से प्रेस करता हूँ तो ऑन हो जाती है। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन का पावर बटन खराब हो चुका है तो बिना पावर बटन के आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा अगर आपके स्मार्टफोन का पावर बटन खराब है तो बिना पावर बटन के आप अपने फोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं, या फिर गलती से जाने अनजाने में आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो गया है तो आप बिना पावर बटन को प्रेस किए आप अपने स्मार्टफोन को कैसे स्विच ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही काम की ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके फोन का पावर बटन खराब है तो बिना पावर बटन के आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी स्मार्टफोन हो, आप अपने स्मार्टफोन में सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है, लॉक स्क्रीन। तो आप इस लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे तीसरे नंबर पे एक सेटिंग देखने को मिलती है जिसका नाम है डबल टैप स्क्रीन टू बैक। तो आपको इस वाली सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करते ही दोस्तों अब यहाँ पे आप अपने फोन के बिना पावर बटन को प्रेस किए आप अपने फोन के स्क्रीन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप सभी एप्लीकेशन को इस प्रकार से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जब भी आपको अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ करना हो तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। फिर से डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन यहाँ पे इस प्रकार से ऑन हो जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके स्मार्टफोन का पावर बटन खराब हो चुका है तो बिना पावर बटन को प्रेस किए आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल अप करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, एडिशनल सेटिंग। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी वाला एक सेटिंग देखने को मिलेगी। आप एसेसिबिलिटी वाले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करके फिर से नीचे की ओर आना है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है एसेसिबिलिटी मेन्यू। आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद एसेसिबिलिटी मेन्यू वाली जो सेटिंग है इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगी तो आपको इसे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपके नीचे पे जो आपका बैक बटन रीसेंट बटन होता है वहां पे एक नया आइकन ऐड हो जाएगी, एक आदमी वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी वाला आइकन टैप हो चुकी है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे स्विच ऑफ करना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे जो नीचे आदमी वाला एक आइकन देखने को मिल रही है यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आपको शॉर्टकट में इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है पावर का, तो आप पावर पे क्लिक करेंगे। पावर पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना पावर बटन को प्रेस किया यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इस वाले आइकन पर टैप करेंगे। इस वाले आइकन पर टैप करते ही यहाँ पे पावर का ऑप्शन आ जाएगा। पावर पर टैप करिएगा, पावर ऑफ पे क्लिक कीजिए, फिर से टैप कीजिए और ये देख सकते हैं हमारा स्मार्टफोन यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुका है बिना पावर बटन को प्रेस किए। मैंने पावर बटन को टच भी नहीं किया है। तो इस प्रकार से बिना टच किए पावर बटन को आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। बिना पावर बटन को प्रेस किए टच किए आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका पावर बटन ही खराब है और आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाता है तो बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए आप कैसे अपने फोन को स्विच ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आपका स्मार्टफोन का पावर बटन खराब हो जाता है तो कैसे आप अपने स्मार्टफोन को अगर स्विच ऑफ हो जाती है तो कैसे आप उसे बिना पावर बटन के आप कैसे ऑन कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे कार ने वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।